निश कुमार, आप देख रहे हैं मेरे चैनल सफर ब्लॉग। क्या आप फ्रेशर हो, मुंबई आना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो? आपको लगता है कि आप 2 महीने में एक्टिंग यहाँ सीख के आप एक्टर बन जाओगे? मन में सवाल चलता होगा शायद फ्रेशर लोग की, हर फ्रेशर की मन में ये ख्याल होता है, और शायद मेरी भी कहीं ना कहीं थी, और भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रगलर हैं उनके मन में भी होता होगा, आपके मन में भी होता होगा। तो मेरे दोस्त हैं, उनसे जानेंगे, उन्होंने थिएटर भी किया, बहुत दिन यहाँ चक्कर भी लगा चुके हैं मुंबई में। तो हकीकत क्या है जान लो, मेरे मुँह से सुनते हो, लेकिन इस भाई के मुँह से भी सुन लो। तो सबसे पहले भाई अपना नाम बता दो, है तो मेरे दोस्त लेकिन आप अपने मुँह से बताओ। नमस्कार, मेरा नाम सनी दुबे है और मैं एमपी जबलपुर का रहने वाला हूँ। कितना दिन हो गया आपको यहाँ पे आया? यहाँ पे अभी मेरे को 1 साल होने जा रहा है। 1 साल हो गया? 1 साल होने जा रहा है, मतलब 1 साल हुआ नहीं है, 1 साल होने जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले बताओ कि आप यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हो और सर्वाइव कैसे कर रहे हो? सर्वाइव, देखिए सर्वाइव बल्कि लिए तो मैंने कुछ दिन यहाँ पे क्राउड पे काम किया, चलो क्राउड में काम करते हैं, क्राउड में जाते हैं ताकि, लेकिन क्राउड में कंटिन्यू काम नहीं मिलता है, उसके चक्कर में होता है क्या है कि हमारा पे सर्वाइवल रुकता है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता। फिर मैं इससे पहले एमपी जबलपुर में यहाँ था, तो हाँ मैं बैंकिंग सेक्टर में था, तो यहाँ के फिर से मैंने वही ज्वाइन किया, और जो मेरे को मैंने फील्ड वर्क चूज किया यहाँ पे ताकि मैं अपना काम भी कर पाऊँ, तो उसके साथ साथ मैं फील्ड वर्क करता हूँ, अपना काम निपटाने के बाद मैं फ्री काम भी करता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे मुंबई आया हूँ। मेरा एम मुंबई में जॉब करना बिल्कुल भी नहीं, मेरा एम आपको पता है, जैसे कि मैंने भाई आप जानते हो, मुझे बिल्कुल पता है, आप सबके लिए था। मैं सब आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे टारगेट सेट करके ही आना पड़ता है कि मैं मुंबई अगर जा रहा हूँ तो मैं जॉब या यहाँ के दूसरी चीज़ों में फंस के ना रह जाऊँ। उसके लिए हमें अच्छा रहना, खुद को मेंटेन करना, और स्पेशली रहना तो है, क्योंकि खाने का उतना इशू नहीं होता है, खाने का मतलब कम से कम में हो जाता है, लेकिन मैं रहना क्योंकि अच्छी जगह रहेंगे, खुद को अच्छे से फ्रेश माइंड रहेगा तो हम दूसरी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस उसी चीज़ों में लगे हुए हैं, स्ट्रगल चल रहा है, ऑडिशन दे रहे हैं, थोड़े मोटे कहीं काम बन भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है, सही चल रहा है। मैंने थिएटर भी किया हुआ है तो थिएटर का थोड़ा एक्सपीरियंस काम आ जाता है, वो सारी चीज़ें चलती हैं, और आप तो जानते हैं हम कितना जाते हैं, अभी हम बस ऑडिशन दे के ही यहाँ पे, एक यहाँ पार्क है तो भाई ने बोला कुछ, अपने इनके जो सब्सक्राइबर हैं, इनके मित्र हैं, इनकी फैमिली है, तो उनके लोगों ने कुछ पूछा था इनसे सवाल, जो कि यहाँ पे सर्वाइवल करने के लिए क्या कैसा करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आप घर से अच्छा सपोर्ट है, घर से अच्छा सब कुछ है, तो फिर आप जॉब अप के चक्कर में ना पड़े, आप बढ़िया से यहाँ पे स्ट्रगल कर, और स्ट्रगल क्या होता है, अगर आप यहाँ पे रहेंगे अच्छे से, डेली ऑडिशन देंगे तो पक्का एक ना एक दिन काम मिलना है, बस सच्ची लगन के साथ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अच्छा, जो लोग ये मेंटेलिटी रखते हैं कि 2 महीना जाके मैं एक्टिंग सीखूंगा नहीं, नहीं, और यहाँ पे काम मिल जाएगा, क्या यह हकीकत है, क्या ऐसा होता है? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने सोचा कि हम आए और 2 महीने में हमको काम मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, आने के लिए पाओ, दूसरे दिन अगर आपका लुक और आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आपको पता नहीं, तो 2-3 महीने तो भाई पता करने में लग जाते हैं कि ऑडिशन हो कहाँ रहे हैं, जो ऑडिशन है कहाँ। सही है, बिल्कुल। 2-2.5 महीने भी लग गया था, 2-2.5 महीने पता भी नहीं चल पाता कि प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे फेक लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, 85% लोग आपको फेक मिलेंगे, और जो 15% आपको जेन्युइन लोग मिलेंगे, और उन जेन्युइन लोग को ही आपको पहचानना है कि एक्चुअल लोग हैं वो कौन, और उनको ढूंढने में कितना मेहनत होती है, कितना तकलीफ होती है, हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तकलीफों से। अच्छा, उन एक जेन्युइन पर्सन को निकालने के लिए कितने ऐसे फेक पर्सन को मिलना पड़ता है? अरे बहुत, मनीष भाई आपको तो पता है कि हम लोगों ने कितने लोगों को झेला है कि इनको सर आप कार्ड बनवा लीजिए, पोर्टफोलियो बनवा लीजिए, हम आपको काम देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी को कोई यहाँ पे काम नहीं दिला सकता, ये आपके टैलेंट और आपके ऊपर है कि आपको काम आपके टैलेंट पे ही मिलेगा, पैसे देने से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, और जो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो काम कर भी रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उन्हें बताया सालों साल उन्होंने स्ट्रगल किया, आज जाके उनको काम मिला, तो हमें अपने स्ट्रगल ना एक छोटा सा स्ट्रगल लगता है उनके मुकाबले, कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया उनके मुकाबले हमारा स्ट्रगल कुछ भी नहीं, तो बस लगे हैं ऊपर वाले की अगर जिस दिन नज़र पड़ गई तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और भगवान ने चाहा तो आप लोग भी मुंबई में हैं या फिर मुंबई आना चाहते हो तो आइए, बस लेकिन तैयारी के साथ आइए, मैं आपसे यही बोलूंगा कि यहाँ सीखने के बजाय आप अपने वहाँ से सीख के आएंगे ना तो बहुत बेनिफिट है। ये भी मैं बात बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ, आपको पता मनीष भाई कि यहाँ पे आके सीखने का, सर्वाइवल करने का, रहने का बहुत महंगा पड़ता है, उसके अलावा फिर टाइम मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है, तो वहाँ सीखेंगे ना मनीष भाई, आपको पता है कि हम अपने घर से सीख के आएंगे, वहाँ पे हर चीज प्रॉपर मेंटेन है कि आपको कितने टाइम जाने का, तो खाने पीने रहने का सब व्यवस्था है, बिल्कुल। तो सिर्फ वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट आपको रहेगा किस चीज में, कि आपको न सिर्फ सीखना है और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ अगर सीखना फिर उसमें स्ट्रगल करना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, अगर आप वो मेंटेन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, तो वेलकम है मुंबई में। और आपने क्या किया है? ये थिएटर किया 1 साल ना? मैं थिएटर किया, मैंने एमपी जबलपुर में किया है। भाई ने थिएटर करके आया और 1 साल होने वाला है, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अपने जो पार्ट टाइम, अब इन्होंने बताया कि मैं क्राउड में जाता था, तो आपको बता दूं क्राउड में कुछ काम नहीं बनता है,
क्राउड में डाओगे तो टाइम वेस्ट होता है। भाई ये भाई ने बताया कि क्राउड में जाते थे, आपको बता दूं क्राउड में जाने से 17-18 घंटा वेस्ट हो जाता है आपका, मतलब कुछ भी वहां से कुछ भी नहीं मिलता। और पैसे भी जो मिलते हैं ना दोस्तों, पैसे जो आता है आपको लगता होगा यार फिल्म में कुछ क्राउड में काम करने से, ऐसे कुछ जूनियर में काम करने से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, आपको बता दूं पैसे ज़्यादा नहीं मिलते। यहां पे कोऑर्डिनेटर के ऊपर कोऑर्डिनेटर, मतलब एक के ऊपर दूसरे के ऊपर ऐसी दलाली, मतलब खाता ही है। तो आपको उसे पैसे 400 से 500 ही पैसे रह जाते हैं। मैं भी जाता हूँ, आप सब वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं वीडियोस बनाने के लिए जाता हूँ, एक्सपीरियंस जो मिलता है बस उसके लिए जाता हूँ अगर फ्री हूँ तब। तो आप क्राउड पे डिपेंड मत रहना कि मैं वहाँ पे जाऊँगा ये काम कर लूँगा यार मेरा तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भाई ने बताया कि ये ऑलरेडी बैंक में काम करते थे, जो कि ICICI बैंक था, उसमें काम करते थे, वहाँ पे जॉब करते थे, फिर यहाँ पे आके इन्होंने कोटक बैंक ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके कुछ दिन ट्रेनिंग हुआ इनका, फिर जाके ज्वाइन किया। भाई कितना महीना हो रहा है जॉब करते हुए? जॉब करते भाई मेरे को अभी कम से 3 से 4 महीने हो गए। 3 से 4 महीने हो गए? 3 से 4 महीने से। और ये 4 महीने में भाई आपने कितना ऑडिशन दिया बता दो? ऑडिशन नहीं, 4 महीने देखो मेरा ऑडिशन का तो ऐसा है कि देखिए ऑडिशन यहाँ पे देने तो बहुत, लेकिन जेन्युइन ऑडिशन आपने कितने दिया मैटर ये करता है। अच्छा देखिए, और मैं तो बोलता हूँ ऑडिशन फेक हो या अगर आपको पता है फेक हो तो वहाँ बचो, ऑडिशन देके निकल आओ। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ऑडिशन दो, मतलब कैमरा फेस तो करेंगे कैमरा, क्योंकि आजकल हम यहाँ पे जितनी भी बातें कर लें दूसरे से एक्टिंग की वो कर लेंगे भाई कैसे, लेकिन जब कैमरा फेस करते हैं ना तो इंसान हिल जाता है कि कैसे करना है। सही है, सही ये होता है। तो क्या आपको पता भी है कि फेक है, बस उसे पैसे ऐसे देने की, अगर वो बोलता बोले ठीक है सर मैं करता हूँ, फिर वहाँ से निकल जाए। ऑडिशन जरूर दो वहाँ पे, ऑडिशन देखिए कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप कैमरे को फेस करेंगे, कैमरे से डर आपका दूर होगा, जो कैमरे का डर है वो निकलेगा। मतलब इसमें फायदा अपना ही है कि हमें कैमरा फेस करने को मिल जाता है और वहाँ पे एक अपना कॉन्फिडेंट भी बढ़ता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। लेकिन फेक कैसे, वो कैसे पता करे? फेक वही ना सर, देखो अगर भाई देखो तुमको पता कि जैसे हम जाते हैं, हाँ, मुझे तो पता है, लेकिन भाई से जैसे हम जाते हैं ना, अब हमसे पैसे की रिक्वायरमेंट, हाँ रिक्वायरमेंट करते हैं पैसे की रिक्वायरमेंट करते हैं। और एक बात है, अगर आपको वहाँ पे नहीं पूछेंगे तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर तो रहेगा, आपको कॉल भी करेंगे या मैसेज कर देंगे कई जगह। और जगह क्या होता है, मैं एक दो जगह और भी गया था, तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि सर आपका है जो मतलब आप आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो दो, ये सब देखिए ऑडिशन में सब उन चीज़ों, आपका एजुकेशन क्या उनसे, इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही मतलब नहीं, उनको आपकी एक्टिंग से मतलब है कि आपकी एक्टिंग कैसी है, कैसी आपने है? सीखा है कहीं नहीं सीखा, डजेंट मैटर। यहाँ सीखने वाले NSD से भी हजारों पड़े हैं जिनको आज तक काम नहीं मिला है, और कार्तिक आर्यन 45 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद सुपर स्टार है। तो मैटर ये करते कि आपकी एक्टिंग में कितना काम है, तो एक्टिंग को इम्प्रूव कीजिए, एक्टिंग पर काम कीजिए, खुद पर काम कीजिए। हम लोग वही कर रहे हैं कि हमने ऑडिशन में चाहता हूँ कि भी कम दूँ, बस अपने ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सर्वाइवल का इशू था, सर्वाइवल जैसे जैसे अच्छा हुआ तो सर्वाइवल के चलते अब अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, चाहे वो थिएटर के जरिए हो, चाहे वो जिम के जरिए हो, चाहे वो रहने के जरिए हो, बस अपने ऊपर काम करना है, कोई नहीं सिखाता, हम खुद से सीखेंगे। बिल्कुल, सीखना बंद नहीं करना, नहीं करना मैटर, ये करते हैं कितना सीखा है। दोस्तों बता दो, हम दोनों जब भी फ्री होते हैं तो एक दूसरे के साथ रिहर्सल भी करते हैं और डायलॉग बाजी भी होती है, और वहां पे जो भी टाइम मिलता है हम डिस्कस इस बारे में करते हैं। तो भाई एक डायलॉग हो जाए इसी बात पे, कौन सा डायलॉग सुनना चाहते हैं पता है? वो अनिता वाला जो भी, मतलब अभी जो आ रहा है, अभी सुना जो अपन ने उसका रिहर्सल की थी, वो सुना या फिर वो अपन रिहर्सल अमिताभ बच्चन वाला? अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। उफ, ये तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, किस काम के हैं तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों का खून कर एक पक्की रोटी ने बना रखती रही। तुम जिन आदर्शों के लिए अपनी जिंदगी से खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन्होंने आदर्श? 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक क्रैक का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, तो जोड़ी खाकी वर्दी। देखो ये वही मैं हूँ और ये वही तुम, हम दोनों एक साथ फुटपाथ सुनते थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए? आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी क्या है तुम्हारे पास? तो दोस्तों देखा आपने, बंदे ने काफी स्ट्रगल किया, मतलब इतने दिनों में, और अपने गाँव में भी रहा तो अपने को खुद को पॉलिश करने के लिए बहुत थिएटर प्ले वगैरह किए हैं भाई ने, तो यहाँ भी कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू जारी है जॉब से लेके जॉब के बाद, ये मतलब जो होता है। भाई आपका छुट्टी कितना बजे हो जाता है? भाई मेरा अगर मेरा देखो टाइमिंग तो है 6:30 का खत्म, लेकिन मैं अपना काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे को इस चीज़ों के लिए टाइम ओके। तुम लोगों से मिलने का भी होता है और अपना ऑडिशन भाई वो सही जरूरी है, तो सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी, पर वो हमको ही करनी है और कोई हमारे यहाँ हेल्प करने नहीं आने वाला भाई, ये मुंबई है, माया नगरी के साथ इसमें फंसे हुए हैं और बस हमें नहीं फंसना है, इतना याद रखना है कि बस हमें अपने उस चीज़ में लगे रहना है जो हमारा फोकस है, एक्टिंग है तो एक्टिंग में ही करना है, मॉडलिंग है तो मॉडलिंग में ही करना है, डांसिंग है तो डांसिंग, मतलब जिस फील्ड के लिए भी आ रहे हो उसमें अपना फोकस रखना। क्या एक आदमी अगर चाहे दिन भर जॉब करे और शाम को टाइम निकाले फिर वो सोचे कि मैं एक्टिंग कर लूंगा,
और इस फिल्म में काम कर लूंगा, हो सकता है, पॉसिबल है? देखिए वो उसके ऊपर है यार, अगर उसकी देखो हफ्ते में आप एक बार भी ऑडिशन दो, मैं क्या कहता हूँ, अगर आपने एक ऑडिशन दिया, कोई ऑडिशन आपके लिए आया है, अगर आप उसमें फिट बैठे, मतलब आपके लिए वो करेक्टर है, आप उसमें फिट बैठे, उसने आपको बोला कि आप आओ, आप इसके लिए फिट हो, फिर वहां से आपका काम शुरू होता है कि आपने कितनी मेहनत की, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। सही है दोस्तों, बात यहाँ की चीज पोलिस करना बहुत जरूरी है, एक्टिंग के सामने अगर उसने आपको फिट बोला कि आप फिट, आप ऑडिशन देने आओ, मतलब आप उस कैरेक्टर के लिए फिट हो, उसके ऊपर से फिर आपकी एक्टिंग में कितनी दम है मैटर ये करता है। अगर आपकी एक्टिंग बहुत तगड़ी तो आपको लेगा, क्योंकि तब तो आपको उसने बुलाया, तो मैटर ये नहीं करता दिन में 10 ऑडिशन दे रहा, आप हफ्ते में एक ऑडिशन दो, लेकिन इतना तगड़ा दो कि 100 में आप अलग दिखो कि कोई ऑडिशन दे के आ रहा है। मतलब आप यहाँ वहाँ ना भाग के मेहनत पे ज्यादा ध्यान दो, राइट? एग्जैक्टली सही है दोस्तों। और ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको अभी स्किप करता हूँ, फिर से मिलेंगे। और अगर सवाल है तो यार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछना मत भूलना, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इस तरीके से, और भी दोस्त उनसे भी बात करेंगे, और भाई का बहुत सारे बातें, बहुत सारी चीज बातें हैं जो अभी भी कुछ भी हो पूछे जरूर। हाँ, हम लोगों ने एक साल काटा तो एक साल की बहुत सारी कुछ है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग जो मिलते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर दिल में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाओ पूछो, और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना दोस्तों, और थैंक्स ऑल ऑफ यू वॉच करने के लिए, थैंक यू।